वेलकम टू मंसूर स्पीक्स। आई एम योर होस्ट सैयद मंसूर। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ सादियात कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है लोअर म्यूज़ियम अबू धाबी। तो चलो चले। ये यहाँ तक, उधर कुछ वर्कर्स इसकी कुछ पेंटिंग शेंटिंग में लगे हुए हैं, ठीक है। और मज़े की बात, ये पूरा म्यूज़ियम पानी के अंदर बना हुआ है, यानी इसके चारों तरफ पानी है, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत एक छतरी नुमा डिज़ाइन है। ये इसका एक्सटर्नल एरिया, और मैं आज सिर्फ एक्सटर्नल शूट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अर्ली है, 7 o'clock अभी है। इसने खुलना है अराउंड 10 o'clock, लेकिन आई विल नॉट बी अवेलेबल, तो मैं आज सिर्फ इसका एक्सटर्नल शूट करूँगा। इसके साथ साथ आप पोर्ट जायद जो है, मीना जायद, उसका व्यू भी देख सकते हैं। ये है, और ये साथ में खलीफा ब्रिज, शेख खलीफा बिन जैद इस ब्रिज का नाम है जो खलीफा हाईवे पे आता है। वो दूर जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है वो है अल रीम आइलैंड, और साथ में है अल मारिया आइलैंड। तो ये एक दूसरा एंगल, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। एक बात है इस कंट्री में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो भी चीज़ करते हैं बना दिल से बनाते हैं। ऐसे लाजवाब कंस्ट्रक्शंस मैंने नहीं देखे अपने लाइफ में कहीं पर भी, जैसा कि इस कंट्री में देखे। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, लोअर म्यूज़ियम का विज़िट, एक्सटर्नल एरियाज़ का। अंदर नहीं जा पाया क्योंकि अभी बहुत अर्ली है, 7 बजे है सुबह के, और ये खुलता है अराउंड कोई 10 बजे। तो इंशाल्लाह इंटरनल व्यूज़ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल मंसूर स्पीक्स, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।